टाइम हो रहा है 9:30 एंड ऑलमोस्ट हम पहुंचने वाले हैं झंडे वालन, तो करेंगे झंडे वालन के दर्शन। पासेस आ चुके हैं मेरे पास 5 हैं, हम 3। मैंने वृद्धि के लिए भी पासेस अरेंज कर दिए थे, टोटल 5, और मैंने बोल दिया था कि और मुझे चाहिए होंगे, बट वृद्धि का शायद आना हो रहा है कैंसिल, तो मेरे पास 2 एक्स्ट्रा पासेस बच जाएंगे। तो या तो मैं वहीं पर किसी को यूज़ करा दूंगी, या अगर वो मेरे कल काम आएंगे तो मैं कल यूज़ कर लूँगी। चलते हैं। I love Karol Bag. So, हमें पार्किंग की पर्ची मिल चुकी है, अब पार्क कर रहे हैं अपनी गाड़ी, यहाँ लग जाएगी। So, इधर हम लोग कर रहे हैं अपनी कार पार्क। गाइस हम बैक साइड वाली गेट से दर्शन कर रहे थे, बट इस बार इन्होंने इतना हौच पौच कर रखा है कि अब हम वापस गाड़ी स्टार्ट करके अपने मेन वाले गेट से दर्शन करेंगे। और एक अंकल इतने चंट मिले, बहुत ही चंट। सो गाइस अब हम वापस बैठ चुके हैं और अब हम वापस जा रहे हैं जहाँ से हम हमेशा एंट्री करते हैं। इस टाइम हो रहे 10:10 एंड अभी हम दूसरे गेट की पार्किंग में लगे हुए हैं, तो पार्किंग है बहुत ही ज़्यादा लंबी, तो आज देखते हैं कितने बजे दर्शन होंगे। टाइम हो रहा है 10:20 और पार्क कर दी है गाड़ी। हमारे 3 हो चुके हैं, हमने कर ली है एंट्री। अब करेंगे दर्शन। टाइम हो रहा 10:30 एंड हम लोग लगे हुए लाइन में। कैमरा संभाल के रखियो कि गिर जाए। प्रसाद में मिल रहा है लड्डू। निकू उधर लाइन में लग गया, आ गया।
आज माता रानी से कुछ और मिलती ना, मैं लड्डू क्यों लड्डू ही मांगा था आपने, आगे से ले लो, आगे आगे लड्डू ही मांग रहे थे आप, वाह कुछ और ही कोठी मांग लेते हैं। देख लो मेरे खाते हुए देखा ना वीडियो में, तब मैं सोच रही हूँ लड्डू मिल जाए। जय माता दी। सो गाइस यहीं से एंट्री की थी हमने, बहुत भीड़ है आज, बट हमारी सही टाइम पे एंट्री होगी, टाइम हो रहा 11:05। मैंने पता क्या माता, मेरा आना सफल हो रहा हो तो लड्डू दिला दियो, और ये भी कहा कि कोई बात नहीं सफल चाहे सफलता 5-6 महीने बाद दे दियो, ये नहीं है कि अभी इंस्टेंट ही चाहिए, मतलब 5-6 महीने बाद ही सफलता मिलेगी। मैंने कहा कभी माता रानी सोचे मुझे अभी चाहिए और अभी ना मिल रही हो तो लड्डू भी ना मिले कभी, तो मैंने इसलिए पहले सेफ साइड 5-6 महीने बोल दिया। वैसे बताऊँ इस टाइम लड्डू ही मिलता है, कल तो नमकीन लाई थी मैं क्योंकि कल शाम को गई हूँ ना, भूल गए दोपहर को 4 बजे मेरे को टाइमिंग का नहीं, दोपहर को पैकेट मिलता है रात को लड्डू मिलता है। पहुंच गए हैं घर, टाइम हो रहा है 11:30, चलो चलो। सो गाइस ये आए हमारी प्रीति जी के यहाँ से, ओ वाओ चॉकलेट मेरी फेवरेट, ओए होए वाओ बढ़िया बढ़िया चॉकलेट्स आई है मेरी तो इम्पोर्टेड, वाह बल्ला पापड़ी तो बढ़िया लग रही है यार मम्मी, ओए किंडर की चॉकलेट आ गई, ओए होए सारी मेरी मनपसंद की चीजें आई है, थैंक यू सो मच प्रीति जी, लव यू। रोस्ट करके है किशोर इस पे डालने के लिए शायद, ओए होए ओए होए हेज़लनट मजा आ गया, ये मतलब सारी चीजें मेरे मतलब की आई है, ये ले रोस्ट करके ड्राई फ्रूट्स भी, ओ तेरी किस में डालने के लिए मम्मी, भल्ले में तो भल्ला पापड़ी इसमें होंगे जगों में डालने के लिए सेवैया, अच्छा समझ गई क्योंकि ईद पे सेवैया बनती है ना ये, वाओ नाइस, पैकिंग भी बड़े सही तरीके से की हुई है आराम से ताकि कुछ गिरे ना, कुछ भी नहीं गिरा हुआ बिल्कुल। थैंक यू सो मच प्रीति जी, तो प्रीति जी आपको बहुत बहुत ईद मुबारक मेरी तरफ से, हाँ ईद मुबारक, ईद मुबारक आपको बहुत बहुत, ये देखिए ये है ना इसके लिए होंगी ये ड्राई फ्रूट्स, हाँ मीठी सेवैया, हाँ भल्ला पापड़ी इतनी टेम्पटिंग लग रही है, दही फ्रिज में रख दिया तो खट्टी ना हो गई हो, हाँ रख दो मम्मी एक बार सारा सामान फ्रिज में रख दो, आपको कुछ खाना खा लो वरना कल खा लेना फ्रिज में रख दो, तो मेरा यहाँ तक फूल है बस पानी पीऊं ठंडा, हाय मेरी तो मनपसंद चीजें आ गई, चटनी सौंट भी आ गई, लो देख बोतलें कितनी प्यारी प्यारी आई है, हाँ पैकिंग देखो कितने वेल मैनर्ड तरीके से, मेरे को तो आती नहीं प्रीति जी ऐसी पैकिंग, मुझे पता है क्या लग रहा है भावेश वाली पैकिंग वो करके और ड्रायर मारा हुआ है जैसे भावेश करता है, प्रीति जी कुछ हमें कुछ नहीं आता, मैं तो इसके लिए हैप्पी हूँ। मैग्नेट वाओ बेलिन की मैग्नेट, भाई मैं भी कभी बेलिन जाऊंगी और अभी लगा लेती हूँ मैग्नेट, अभी मुझे बच्चे लेके जाएंगे बेलिन, जाओ मैग्नेट लगाओ बहुत प्यारी, उसके बेटे ने भेजी साहिल स्पेशली शॉपिंग करी है साहिल ने हमारे लिए गोयल फैमिली के लिए, हाँ कि मम्मी आपकी गोयल फैमिली की चॉकलेट बताओ कौन कौन सी लेनी है, गोयल फैमिली के मैग्नेट साहिल को पता है बताओ, प्रीति जी तो ब्लॉग्स देखती है साहिल थोड़ा देखता, मैं तभी तो मेरे को शौक हुआ कि बेचारे साहिल ने इतनी मेहनत करी है, बेचारे ने अपनी मम्मी की वजह से, हाँ उसकी मम्मी ब्लॉग्स देखती है तो गोयल फैमिली के ये सब लेना है, चलो ये सब फ्रिज में रख दो, ये मैं रख रही हूँ अपना माल अपने पास, ये दोनों चीजें फ्रिज में रखो कल खाएंगे, और ये मैग्नेट लगा दो। सो प्रीति जी भावेश जी खा रहे हैं रात को 10 बजे भल्ला पापड़ी चाट, हाँ ये भल्ला नहीं खाता ना निकू इसलिए, तो आपकी पापड़ी चाट खाई जा रही है, ये भी मिला दो ना इसमें सौंठ और चटनी, बोला हूँ चाट मसाला, वैसे तो इन्होंने चंकी चाट मसाला है पर ये खा नहीं जाना, ये चलो ये सब पैक करके रख दो, ये ले चटनी भी ले ली, सोए हरी चटनी सौंठ ले ली इसने बंद कर दो, ये ड्राई फ्रूट्स आए हैं वैसे तो खीर के लिए आए पर तो इसमें डालने डालने इसमें उसको वो डाल दो ना इसके काजू बादाम फेवरेट है, तो ये बादाम है क्या है, देखो ढक्कन खोल के निकाले रोस्टेड, मेरे बादाम है काजू है इसमें किशमिश है, चाहिए रोस्टेड किशमिश, किशमिश खाएगा ये ले ले काजू बादाम खीर के वैसे ही है, ये ले रोस्ट करे हुए सही लग रहे है ना,
बादाम काजू है निकुले रोस्टेड करे हुए, ये भी ले लो देखो टेस्ट और ज्यादा आ जाएगा। अनार भी है घर में चाहिए तो अनार डाल के टेस्ट आ जाएगा। चलो बंद कर दो ये सब सूख ना जाए, रख रही हूँ दो मिनट जगह से कुछ और ना चाहिए हो। और कुछ बदला खाएगा नहीं डालना और तू रख दो पहले। चलो ओके गाइस गुड नाइट। सो थैंक यू सो मच प्रीति जी, मेरा तो बहुत मन है भल्ले खाने का बट मैं खा नहीं सकती। आई लव भल्ला तो बट मैं खा नहीं सकती, तो कोई नहीं अब प्रिया वगैरह आई हुई है तो प्रिया रहने आई है आज तो सब खा ही लेंगे। मम्मी प्रिया भावेश ने पापड़ी खाई ली और करते हैं ब्लॉग को एंड। एंड थोड़ा सा पैर स्वेल हो गया क्योंकि आज मैंने गाड़ी में पट्टी उतार दी थी तो पैर से बांधी हुई थी, तो मैं थोड़ा सा रिलैक्स के लिए पट्टी उतार देती हूँ। तो झंडे वालन में बिना पट्टी के चली तो मुझे आई थिंक बिना पट्टी के अब नहीं जाना चाहिए, बहुत इतनी सी स्वेलिंग मतलब मुझे फील हो रही है, मैंने सॉक्स नहीं उतारी। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड एंड प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, आगे आने वाले टाइम में बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स प्रॉमिस आने वाले हैं तो मज़ा आएगा आप लोगों को। एंड जो भी देखो पूरा हमारा डे होता है वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। एंड आज हमने पीछे से एंट्री करी, मैंने ना लास्ट टाइम भी जब नवरात्रे थे तो अगर फ्रंट से दर्शन नहीं हो पाते मतलब भीड़ होती है तो हम पीछे की साइड पार्क कर देते हैं, वहीं से हम सीधा आ जाते हैं। बट आज एक अंकल इतने नौटंकी मिले कि मैंने उनको बोला कि देखो मेरे पास ये VIP पासेस है, तो कहते मेरे पास, तो उनको उस पर गुस्सा आ गया कि मैंने VIP टर्म क्यों यूज़ करी, कहते ये VIP पासेस नहीं होते, पहले मैं आपकी नॉलेज के लिए आपको बता दूँ कि ये तो सेवादार होते हैं उनकी फैमिली मेम्बर्स को मिलते हैं। मैंने कहा हाँ अंकल वही मेरा मतलब वही था, मैं ऐसे कोई एटीट्यूड नहीं कर दी कि VIP पास है, मेरे को बस रास्ता पूछना था। फिर उन्होंने क्या चलाकी करी, उन्होंने हमें बोला कि यहाँ से जाओ बेटर है इससे अच्छा आप आम लाइन में ही चले जाओ, ये आपको बहुत दूर पड़ेगा एंड ऑल। एंड उन्होंने हमें घुमा दिया, मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा था उनसे बात करते हुए। फिर उन्होंने क्या चलाकी करी, जब उन्होंने देखा हमें कि हम पूरा ऐसे सीढ़ियों से घूम के आ रहे हैं दूसरे स्पॉट पर, हम दूसरे सेवादार से सेवादार को बोलेंगे कि भैया हमें यहाँ पे जाना है तो कहाँ से जाएं, तो उन्होंने क्या चलाकी करी, वो फटाफट सेंटर से, वो तो सेवादार थे तो वो तो बीच में से निकल आए, बीच में से निकल के उन वाले सेवादारों के पास खड़े हो गए उनको भड़काने के लिए। और जैसे हम उन सेवादारों से बात कर रहे कि आप बता दो हमें गरुड़द्वार जाना है हम कैसे जाएं, वो तो हमें बता रहे, इतने में वो अंकल कुर्सी पे बैठे हुए एकदम होते ना विलन का चेहरा ऐसे दिखाते हैं हमें दिखाया, कहते नहीं नहीं इनको अंदर से नहीं जाने देना। फिर मैं समझी, मैंने कहा ये अंकल तो वही हैं जो भी हमें पीछे मिले थे, इतनी जल्दी दौड़ के यहाँ पे भी आ गए, तो वो हमसे पंगे लेने के लिए ड्रामेबाजी के लिए वहाँ आ गए, मैं कुछ भी चलता है यार। फिर हमने गाड़ी स्टार्ट करी, फिर हम वापस फ्रंट साइड पे जहाँ पे हम हमेशा गाड़ी पार्क करते हैं वहाँ आए, वहाँ से दर्शन करे। अब क्या था, मुझे नहीं पता था कि लास्ट ईयर का और इस ईयर का सिस्टम बिल्कुल चेंज हो जाएगा, मैं लास्ट ईयर के हिसाब से पीछे ले गई, अब आवेश को गुस्सा आ रहा, बट कोई ऑप्शन नहीं था क्या कर सकते।